Welcome to Dakshina e classroom. We have to solve the following problems based on functional equations. Okay, so I've already solved ABC in previous video. Now in this video I am going to solve E part. Okay, so E part. So in E part it says F of 3 is given to be equal to 1 and F of x, F of 3x is equal to X plus F of 3x minus 3. then what is the value of f of 300 that we what we have to find out so we'll start by substitution हम लोग इसमें पहले x को one substitute कर देते हैं तो हमको मिलेगा f of 1 is equal to 1 plus f of 0 यहाँ पे one नहीं sorry 3 बनेगा एफ ऑफ थ्री की वैल्यू वन है तो वन इज इक्वल टू वन प्लस एफ ऑफ जीरो तो यहाँ से पता चल गया कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है ठीक है उसको निकाल लिया हमने अभी काम किया है कि नहीं हम देखेंगे फिर हम लोग एक्स को टू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा एफ ऑफ सिक्स इज इक्वल टू टू प्लस एफ ऑफ थ्री तो टू प्लस एक्स पे हमने टू पुट किया एफ ऑफ थ्री की वैल्यू वन तो ये three. F of six three आ गया वैल्यू थ्री एफ ऑफ सिक्स की वैल्यू थ्री आ गई ओके फिर आगे हम करते हैं एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं थ्री नेक्स्ट सब्सिट्यूट करेंगे थ्री तो थ्री सीजन नाइन बनेगा इक्वल टू थ्री प्लस एफ ऑफ सिक्स बनेगा तो थ्री प्लस एफ ऑफ सिक्स की वैल्यू थ्री तो ये हो गया सिक्स ये हो गया एफ ऑफ नाइन की वैल्यू फिर अब हम लोग पोट करते हैं एक्स को फोर तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा ट्वेल्व इक्वल टू फोर प्लस एफ ऑफ नाइन तो फोर प्लस एफ ऑफ नाइन सिक्स था तुम्हारा ये आ गया एफ ऑफ ट्वेल्व टेन आ गया ठीक है तो अब हम एक पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह तो हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरोफ़ ऑफ वन एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ फोर यहाँ तक आ गया है और अगर इसमें हमको ट्रेंड मिल जाएगा तो हम सीधा एफ़ ऑफ थ्री हंड्रेड भी गैस कर सकते हैं कि कैसे निकाला जाएगा ठीक है तो एफ ऑफ जीरो F of की वैल्यू जीरो एफ ओ वन की वैल्यू सॉरी यहाँ पे थ्री का मल्टीपल चल रहा है एफ़ ऑफ थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ठीक है थ्री के मल्टीपल से ही पहुँचेंगे हम तो थ्री पे वक्त तो थ्री गाली हमें गिवन थी वन सिक्स की हमने अभी भी निकाली ये रही थ्री नाइन की हमने निकाली सिक्स ट्वेल्व पे हमारा आया टेन ठीक है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है डिफरेंस एक का है यहाँ डिफरेंस दो का है डिफरेंस तीन का है डिफरेंस चार का है तो अगर हम ऐसे देखें ट्रेंड ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है सेकेंड टर्म में तो डिफरेंस अगले के लिए टू आ रहा है थर्ड टर्म है तो अगले के लिए डिफरेंस थ्री आ रहा है फोर्थ टर्म ये वाला है तो अगले के लिए डिफरेंस फोर आ रहा है ठीक है तो अगर मेरे को डायरेक्टली ज़ीरो से स्टार्ट करना होता अगर हम ऐसे पैटर्न देखें कि ये है यहाँ से फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म पहुँचने के लिए मुझे उसमें वन टू थ्री फोर ऐड करना पड़ा तो उसी टाइप से मुझे फर्स्ट टर्म से ये तुम्हारा हंड्रेड टर्म है नॉट हंड्रेड हमें देखना पड़ेगा ये थ्री इंटू वन है वन है तो इसलिए फर्स्ट टर्म हैं ये सिक्स थ्री इंटू टू है तो सेकंड टर्म बोल रहे थ्री इंटू थ्री है तो थर्ड टर्म थ्री इंटू फोर तो ये थ्री इंटू हंड्रेड है तो मैं ये बोलूँगा कि ये हंड्रेड टर्म है ठीक है तो हंड्रेड टाउन तक पहुँचने के लिए मुझे कितने नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा सम ऑफ हंड्रेड नंबर्स दैट इज़ वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू हंड्रेड सम कितना आ जाएगा एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू सो आई गेट फाइव जीरो फाइव जीरो सो दैट विल बी द वाल्यू ऑफ एफ ऑफ थ्री हंड्रेड आंसर